ଆସାମରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ କୋକୁ ଲୋକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରେଡ୍ କାର୍ଡ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମର ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଲିଆନ୍ସକୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସାର ନୀରବ ଦର୍ଶକ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ରାଜ୍ୟର ବୋଡୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ହିଂସାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସାମରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କେବେ ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ବହନ, ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଇସ୍ ବାତ କୋ ଜାନତା ହେ କି ୟହାଁ କେ ନୌଜବାନୋଁ ମେ ଫୁଟବଲ ବହୁତ ଫେମସ ହେ। ଅଗର ମେ ଉନ୍ହୀଁ କି ଭାଷା ମେ କହୁଁ ତୋ କଂଗ୍ରେସ ଆର ଉସକେ ମହାଜୁଟ କୋ ୟହାଁ କେ ଲୋଗୋଁ ନେ ଫିର ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦିଖା ଦିଆ ଗୟା ହେ। साथियों, असम के विकास के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम के सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। और इसलिए असम को दशकों तक लूटने वाली, असम के संस्कृति को तबाह करने का सपना देख रहे महाजूठ वाले बौखला रहे हैं। महाजोत वाले बड़े बड़े झूठ बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन असम के लोगों को उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आसाम रे फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल, आई फुटबॉल मैच रो उदाहरण दे मोदी कहते ଆସାମର ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଲିଆନ୍ସକୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆସାମର କୋକରାଜର ବିଜନଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଓ ବହନ, ମୁଝେ ସନ୍ତୋଷ ହେ କି 2016 ମେ ବିଟିଆର ମେ 2016 ମେ बीटीआर में शांति और विकास का जो वादा हमने किया था उसे लेकर हमने बहुत ईमानदार प्रयास किया है। कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। आप याद कीजिए, ये अटल जी की ही एनडीए सरकार थी जिसने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का अधिकार आपको दिया था। और ये भी देखिए, एनडीए की वर्तमान केंद्र सरकार है जिसने स्थायी शांति के लिए ऐतिहासिक बोडो अकार्ड पर मुहर लगाई है। आज बीटीआर का विस्तार भी हुआ है और विकास की नई शुरुआत भी हुई है। बोडोलैंड के स्थायी विकास के लिए हमारा मंत्र है पीस, प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन, यानी शांति, समृद्धि और सुरक्षा। बीते वर्षों में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये विशेष तौर पर दिए गए हैं। इसके तहत अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। ସେପଟେ ଆସାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ 39ଟି ଆସନରେ 345 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ଆସାମରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।